दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पांडे जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो है अवकलन के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन e^-e^(x-1)/e^(x+1) और दूसरा क्वेश्चन है जो दोस्तों sin x का अवकलन करना है। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि डायरेक्ट आप यदि sin x का अवकलन cos x लिखते हैं तो बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यदि डायरेक्ट यदि कभी भी पूछ दिया जाता है कि sin x का डिफ्रेंशिएशन बताइए चाहे cos का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप ये जान लीजिएगा कि यदि वो क्वेश्चन जो है एक नंबर में पूछा गया है तब भी उसको सॉल्व ही करेंगे, और यदि वो दो नंबर से ज्यादा में पूछा गया है इसका मतलब दोस्तों ये है साफ तौर पे कि प्रथम सिद्धांत की सहायता से इसको लगाने के लिए पूछा गया है। फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। यहां पर हम सबसे पहले लिख लेंगे दोस्तों क्या दिया है भैया, जो क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा वही हम लिख लेंगे e^(x-1)/e^(x+1)। इसको देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी क्या है दोस्तों, तो ये भी क्या है दोस्तों कि दो फलनों के भागफल पर जो है ये अवकलन आधारित है। और दो फलनों के भागफल वाला सूत्र मैं दोस्तों बताया था ना कि हर का वर्ग जो हमारा हर रहता है हर का वर्ग अपॉन उसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे हर गुने अंश का अवकल गुणांक और प्लस माइनस अंश गुने हर का अवकल गुणांक। तो ये जो है आपका पर्टिकुलरली फॉर्मूला होता है जहाँ भी आपका दो फलनों के भागफल का सवाल आएगा यहाँ पर सीधे आप यही चीज़ ऑपरेट करेंगे और मैं भी यहाँ पे फिलहाल यही ऑपरेट करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या है क्या कहा है फॉर्मूले से हर का वर्ग, तो यानी कि हमारा हर क्या है e^(x+1) यही तो दोस्तों हर है और ये अंश है हमारा, तो हर का वर्ग यानी कि दोस्तों e^(x+1) का वर्ग, तो ये हर का वर्ग हो गया। फिर क्या फॉर्मूला कहता है हर का वर्ग हर यानी कि e^(x+1) इंटू अंश का अवकल गुणांक, अंश हमारा ये है दोस्तों तो d/dx ऑफ e^(x-1) और यहाँ पे जो है दोस्तों माइनस का साइन रहेगा माइनस अंश, तो अंश क्या है दोस्तों e^(x-1) और इंटू हर का अवकल गुणांक और हर हमारा क्या है d/dx ऑफ e^(x+1)। देखिए दोस्तों e^(x) वाला जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे किया जाता है, सबसे पहले e^(x+1) तो एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, लेकिन ये d/dx ऑफ e^(x-1) जो है दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e^(x) का तो e^x ही दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे जैसे है, और यहाँ पर 1 का जो डिफरेंशिएशन है चूँकि 1 कॉन्स्टेंट है तो इसलिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस e^(x-1) और ये जो है आपका दोस्तों अब इस टर्म का हम जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस टर्म में क्या है d/dx ऑफ e^x है तो फिर से हमारा e^x ही मिलेगा और प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा ऑलरेडी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इतना समझ में आ गया। अब जब आप टोटली किए हैं तो आपको क्या मिला है, यही तो मिला है, ये पोर्शन आपको मिल गया है हम डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो ये पोर्शन में हमारा है दोस्तों e^(x+1) इंटू e^(x-e^(x-1) इंटू e^(x)। अब यदि दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों जगह जो है हमारा e^(x) है, तो यहाँ पर जो है हम e^(x) दोस्तों यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है e^(x) को कॉमन कर लिया है। अब कॉमन करने के बाद जितनी भी टर्म हमारे बचेंगे उतने सारे टर्म को हम क्या किए हैं दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रख दिए हैं, और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाया था ना हर का वर्ग वाला फॉर्मूला दोस्तों, तो यहाँ पर वही चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरीके से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों कहेगा या फिर वहीं पे आप आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन और नहीं तो मैं आपको बताया भी हूँ कि आपसे यदि सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है यदि आप को कन्फ्यूज़न है कि मैं आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं पर्टिकुलरली यही आंसर नहीं ला पाता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये कहते हैं कि मैं ये आंसर जो है नहीं ला पाता हूँ सर, तो वहाँ पर वो डिफ्रेंशिएशन करके भी छोड़ देंगे तो उनका आंसर जो है इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन दिया है d/y = sin x, तो इसको आराम से इसको हम dy/dx साइन एक्स का हम जानते हैं कि कॉस एक्स होता है, लेकिन ये दोस्तों ध्यान रहे कि इस तरीके का क्वेश्चन यदि एक नंबर में पूछा गया है तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 3 नंबर का पूछ देगा चाहे क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों 5 नंबर में पूछ देगा तो आप ये जान जाइए कि हमको जो है प्रथम सिद्धांत की सहायता से लगाना है, और प्रथम सिद्धांत की सहायता से लगाने वाला प्रश्न का उत्तर जो है मैंने पिछले वीडियो में अपने दे चुका हूँ। तो ऐसे में ये जो है आपका मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रहे दोस्तों e^x से क्वेश्चन आता है, जिस टर्म में e^x रहेगा वहाँ से एक डिफरेंशिएशन आपका ज़रूर पूछा जाएगा।